नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। सबसे पहले किसी भी YouTube चैनल से पहले, किसी भी अखबार से पहले और किसी भी न्यूज़ चैनल से पहले मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई थी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग ने EWS प्रीशिप कैटेगरी के फॉर्म निकाल दिए हैं। मैंने लाइव आकर भी आपको जानकारी दी थी और YouTube शॉर्ट के माध्यम से भी मैंने ये जानकारी आप तक पहुँचाई थी। और आज की वीडियो भी मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पर लेकर आई हूँ। आप में से बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि फॉर्म को कैसे भरना है, क्योंकि फॉर्म निकलने वाले हैं बहुत जल्द 3 सितंबर से। 3 सितंबर से फॉर्म निकल जाएंगे, 13 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे और उसके बाद रिजल्ट निकल जाएगा 20 सितंबर को और 4 अक्टूबर तक बच्चों के दाखिले दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में हो पाएंगे। लेकिन फॉर्म कैसे भरना है, यह सवाल बहुत से पेरेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल अभी फॉर्म नहीं निकला है। इसीलिए मैं आपके लिए पिछले साल की वीडियो लेकर आई हूँ, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को कहना चाहूंगी कि विमेन इनोवेटर क्रिएटर्स अवार्ड के तहत आपकी अपनी डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को नॉमिनेट किया गया है बेस्ट क्रिएटर्स अवार्ड एजुकेशन कैटेगरी के तहत। और यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, आपके साथ की ज़रूरत है, क्योंकि जो विनर्स चूज किए जाएंगे वे वोटिंग के आधार पर किए जाएंगे। तो आप जी भर कर वोट कीजिए। डिस्क्रिप्शन वोटिंग का कि आप कैसे वोटिंग कर सकते हैं मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप प्लीज़ वहां से देखिए, मुझे वोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए। और याद रखिएगा, अगर इतने बड़े मंच पर सबकी शिक्षा के माध्यम से मुझे अवार्ड मिलता है तो यह हम सबकी जीत होगी और सबकी शिक्षा को इतने बड़े मंच पर अगर पहचाना जाएगा तो इसका असर हमारे बच्चों के दाखिलों पर भी पड़ेगा। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, दिखाने जा रही हूँ पिछले साल की वीडियो, जब फॉर्म निकले थे तो फॉर्म को कैसे भरा गया था। तो यहाँ से शुरू हो रही है पिछले साल की वीडियो। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को देखने को कहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ फॉर्म कैसे भरना है। आप गूगल या किसी भी सर्च इंजन पर लिखेंगे DOE दिल्ली। DOE दिल्ली का मतलब होता है डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली, और DOE दिल्ली हमने लिखा और इस तरीके से डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट आ जाएगी, जो कि है www.edudel.nic.in। आपने इस पर क्लिक कर दिया, इस प्रकार से वेबसाइट आ जाएगी। देखिए, यह वह वेबसाइट है जिसके माध्यम से मैं आपके लिए सारी जानकारी लेकर आती हूँ। दिल्ली का शिक्षा विभाग यानी कि दिल्ली का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सारी जानकारी इस वेबसाइट पर हमेशा अपडेट करता है। तो अब आप यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे और बाईं तरफ EWS DG एंड EWS फ्रीशिप एडमिशन्स यह लिखा होगा, आप इस पर क्लिक करिए। देखिए ये लिखा है, इस पर क्लिक करिए। आप पे क्लिक करते ही यह पेज आएगा। यहीं से जाकर हमेशा EWS कैटेगरी के फॉर्म भरे जाते हैं, चाहे वह नर्सरी KG कक्षा पहली के हों या फिर दूसरी और उससे ऊपर की कक्षाओं के हो। तो आप देखेंगे इस पेज पे नीचे जाएंगे, लिखा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र क्लास 2 ऑनवर्ड्स, नए आवेदनकर्ता के लिए पंजीकरण कक्षा दूसरी से। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा पहले पे। आपने पहले पे क्लिक करा तो इस प्रकार से आ जाएगा। देखिए ऊपर साफ साफ लिखा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऊपर क्या लिखा है। ऊपर लिखा है रजिस्टर हेयर फॉर फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म फॉर EWS प्रीशिप एडमिशन फॉर सेशन 2022-23। देखिए अभी भी 22-23 गलती से डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पर 23-24 हो जाना चाहिए था, लेकिन चिंता मत करिए, 2-3 घंटे या 4 घंटे के बाद देखेंगे तो यहाँ पर 23-24 हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म बिल्कुल अभी निकले हैं। इसीलिए सबसे पहले शायद मैं उन्हीं लोगों में से होंगी जो सबसे पहले जल्दी जल्दी फॉर्म भरते हैं, इसलिए मैं उन लोगों में से हूँ। थोड़ी देर के बाद 23-24 हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पंजीकरण करने के लिए यहाँ से आप फॉर्म भरिए, और नीचे लिखा है कि चेतावनी, ऑनलाइन फॉर्म भरे गए विवरण और बाद में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के बीच यदि जांच के समय कोई अंतर पाया गया तो ऐसी स्थिति में दाखिला नहीं दिया जाएगा व कानून के अनुसार उचित कार्रवाई भी की जाएगी। साफ साफ लिखा है कि जिन जो कागजात हैं जांच के समय अगर उनमें अंतर पाया गया, यानी कि अगर आप जो डिटेल्स अभी पंजीकरण में भरेंगे, यानी कि जो डिटेल्स अभी आप फॉर्म भरते समय भरेंगे, और जब आप अगर आपके बच्चे का नाम कल को आ जाता है और आप जब एडमिशन करवाने जाते हैं और आप तब जो कागजात देते हैं, अगर इन डिटेल्स में, इन जानकारियों में अंतर पाया गया, किन जानकारियों में, फॉर्म के भरते समय जो आपने जानकारी भरी है और दाखिला करवाते समय जो आप जानकारी स्कूल वालों को बताएंगे, इनमें अंतर पाया गया तो दाखिला भी नहीं होगा और हो सकता है कानून के अनुसार आप पे उचित कार्रवाई भी की जाए।
तो देखिए सबसे पहले लिखा है कक्षा चुनिए, आप कक्षा चुनिए। यहाँ पर ये जो आप देखिए कोने में है ना एरो सा, ये देखिए ऊपर नीचे से क्लिक कर दीजिए तो ऐसी कक्षाएं आपके सामने आ जाएंगी। देखिए आपने जिस भी कक्षा में अपने बच्चे का दाखिला करवाना है उसे आप क्लिक कर देंगे। मैं आपको उदाहरण के तौर पर दूसरी का भर के दिखाती हूँ। आप जिस भी कक्षा में आपका बच्चा का आपने दाखिला करवा रहा है और उस कक्षा में उम्र के हिसाब से आपका बच्चा सही बैठ रहा है, वह योग्य है, तो आप उस कक्षा का सिलेक्ट क्लास कक्षा चुनें। और याद रखिएगा जब आप देखेंगे कक्षा चुने के ऊपर सितारा बना हुआ है, जिनके ऊपर लाल सितारा बना है यानी कि ये रेड स्टार सा बना है या फ्लावर कह सकते हैं, यह जानकारी भरना ज़रूरी है। दूसरा है बच्चे का नाम, यहाँ पर बच्चे का नाम लिखिए। कोई भी बच्चा जिसे आप मतलब कोई बच्चा जो आपके जिसने आप आपने जिसका एडमिशन करवाना है, क्योंकि बहुत से लोग बताते हैं कि हम अपने बच्चों का भी भरते हैं और आस पड़ोस के बच्चों का भी भरते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे का भर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स आप भरेंगे, किसी और के बच्चे का भर रहे हैं आसपास किसी बच्चे की हेल्प करने के लिए उसका भर रहे हैं तो आप उसकी डिटेल्स भरेंगे। लेकिन याद रखिएगा जब भी आप बच्चे की डिटेल्स भरें, बच्चे का आधार कार्ड सामने रखकर भरें, तो यहाँ पर आप बच्चे का नाम लिख दीजिए। जैसे कि मैं एक बच्चे का नाम लिख देती हूँ यहाँ पे, हितांशी शर्मा करके मैं नाम लिखती हूँ। हितांशी पहला नाम, शर्मा आखिरी नाम। याद रखिएगा अगर हितांशी कुमारी शर्मा होता तो पहला नाम में हितांशी आता, मध्य नाम में कुमारी होता और आखिरी नाम में शर्मा आता, लेकिन हितांशी शर्मा है। उसी प्रकार जैसे लड़कों के नाम होते हैं कि मंजीत सिंह, मंजीत सिंह खन्ना, तो मंजीत पहला नाम आ जाता है, सिंह दूसरा और खन्ना तीसरा नाम। किसी का सिर्फ पहला नाम ही है तो पहला नाम लिख के मध्य और आखिरी छोड़ सकते हैं, किसी का पहला और आखिरी है तो आप पहला और आखिरी लिख सकते हैं, मध्य छोड़ सकते हैं। अब मोबाइल नंबर आप यहाँ लिखिए, जो मोबाइल नंबर है आपका वह लिखिएगा। और याद रखिएगा मेरी जानकारी जो मैं भर रही हूँ इसमें वह मत लिखिएगा, वैसे मैं आपको दिखाने के लिए भर रही हूँ। आप के जिस बच्चे के लिए फॉर्म भर रहे हैं, चाहे वह आपका अपना बच्चा है, किसी रिश्तेदार का है, पास पड़ोसी का है, सगे संबंधी का है, जिस बच्चे के दाखिले के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं उसकी जानकारी आप यहाँ भरेंगे। तो आप यहाँ जानकारी भर देंगे, फ़ोन नंबर यहाँ पे भरेंगे, अगला है ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस में हमारा सबकी शिक्षा का भर देती हूँ, आप जो भी ईमेल एड्रेस आपका है वह भर दें। और याद रखिए ईमेल एड्रेस पे लाल सितारा नहीं भरा है लिखा है, मतलब नहीं बना है, इसका मतलब यह है कि अगर आप नहीं भी ईमेल एड्रेस डालते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब कि ईमेल एड्रेस मैंडेटरी नहीं है। बाकी सब खानों के ऊपर जैसे मोबाइल नंबर के ऊपर लाल सितारा था वह देना ज़रूरी है, लेकिन जिनके ऊपर लाल सितारा नहीं बना वह देना ज़रूरी नहीं है। अगर ईमेल एड्रेस नहीं है ज़रूरी तो आप छोड़ सकते हैं। अगला है जेंडर ऑफ द चाइल्ड, पुरुष महिला द्विलिंगी यानी कि मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर, बिल्कुल सही जेंडर भरिएगा। बहुत बार ऐसा होता है लोग यहाँ पे जेंडर गलत भर देते हैं, बच्चे का नाम भी आ जाता है क्योंकि आपने यहाँ बच्चे का जेंडर गलत भर दिया था। लड़के बच्चे का फॉर्म भरना था, बेटे का फॉर्म भरना था तो बेटी, गलती से महिला जेंडर भर दिया तो स्कूल ने दाखिले से मना कर दिया और ऐसे में दाखिला नहीं हो पाता क्योंकि आपने बहुत बड़ी जानकारी गलत भरी है। तो ध्यान रखिएगा बच्चा अगर बेटा है मेल है तो पुरुष, महिला है तो फीमेल और द्विलिंगी है तो ट्रांसजेंडर। अब डेट ऑफ बर्थ भरिए, डेट ऑफ बर्थ जो भी बच्चे की है, मैं भी डेट ऑफ बर्थ आपको दिखाने के लिए भर देती हूँ। आप भी भरिए, ठीक है, आप जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वह भर दीजिए। उसके बाद आप क्या बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र देंगे, आपको चार ऑप्शंस दिए हैं। पहला तो आप अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो पहले पर कर दीजिए, दूसरा वाला अब अस्पताल के द्वारा जारी किए गए कागजात देंगे उसमें करिएगा, तीसरा कोई आंगनबाड़ी का कागजात है वह दीजिए, चौथा है कि आप स्वलिखित घोषणा पत्र देंगे वह कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं बर्थ सर्टिफिकेट पर कर देती हूँ। आप जो भी कागजात जन्म से संबंधित बच्चे के डेट ऑफ बर्थ से संबंधित देंगे, बच्चे का प्रूफ ऑफ बर्थ आप जो भी देंगे वही यहाँ पे भरिएगा। अगर आप गलत भरेंगे, कोई और भरेंगे, दाखिले के समय कोई और दिखाया तो बच्चे का दाखिला नहीं होगा। जो आप भरेंगे अभी वही ऑप्शन वही आपको दाखिले के समय दिखाना होगा। अब टोटल एनुअल इनकम ऑफ बोथ द पेरेंट्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज यानी कि माँ बाप की सालाना आय, सभी जितने भी उनके पास सभी सोर्सेज हैं उनकी वार्षिक सालाना आय कितनी है, सभी स्रोतों से जो उनकी तनख्वाह आती है कितनी है। तो आपका यहाँ पे आपको पता है EWS कैटेगरी के तहत दाखिले के लिए 1 लाख से कम सालाना आय होनी चाहिए, तो आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं 97,000 भर देती हूँ।
और कैटेगरी तो EWS ही है, EWS भर दिया। अब आगे देखिए अपने आप और आ गया है प्रूफ ऑफ इनकम ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। आप क्या प्रूफ देंगे, आपके अनुसार क्या आप प्रूफ देंगे? आप इनकम सर्टिफिकेट दिखाएंगे, आप BPL कार्ड दिखाएंगे, आप आय कार्ड दिखाएंगे, आप फूड सिक्योरिटी कार्ड दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे आप? तो मैं यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट ही लिख देती हूँ, ठीक है। आपके पास जो है आप वह लिखिएगा। आपके पास BPL कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आय कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, फूड सिक्योरिटी कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसे क्लिक करके यहाँ पे आप उसे टिक कर दीजिए। अब एनुअल इनकम प्रूफ सर्टिफिकेट इशूड और अप्लाइड फॉर, यानी कि आपका जो EWS कैटेगरी के लिए जो इनकम सर्टिफिकेट है वे आपने आवेदन करा हुआ है या आप उसका आपको या आपको वो इशू हो चुका है। देखिए एक चीज़ और करके देखते हैं। देखिए अगर BPL कार्ड भरा तब भी ये प्रश्न आ रहा है, आपने आय कार्ड भरा तब भी ये प्रश्न आ रहा है, और आपने फूड सिक्योरिटी कार्ड भरा तब भी ये प्रश्न आ रहा है। इसका मतलब है कि दाखिले के समय इस बार इनकम सर्टिफिकेट ले रहे हैं। तो मैं लिखूँगी अप्लाइड फॉर, अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, हमने अप्लाई किया हुआ है, इशूड नहीं हुआ। तो अब रिसीट नंबर क्या है वह लिखिए। तो मैं रिसीट नंबर लिख देती हूँ 1324 1324 3547 1 2 3 4 5 6 7 8 6 5। अब मैंने ऐसे ही रिसीट नंबर लिखा है। और उसकी क्या है एप्लीकेशन डेट क्या है, तो एप्लीकेशन डेट लिख देती हूँ, फॉर्म 22 का है ना, तो मैं 19 जून लिख देती हूँ, 19/06/2023, ठीक है। अब यहाँ पे सारी जानकारी आप भर दीजिएंगे, आपने सारी जानकारी भर दी। अब आप ध्यान से आप एक बार फिर से देख लीजिए कि जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए। और अब आप OTP के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा अपनी सारी जानकारी। अब OTP के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, इस प्रकार से रजिस्टर करने के बाद यह आ गया है। अब मैं लॉग इन करूँगी, ये देखिए क्लिक हियर टू लॉग इन, ये देखिए। अब यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन नंबर भरूँगी, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया था मेरे पास मैंने उसे नोट कर लिया था। Two 02302123021 और पासवर्ड भर देती हूँ EWQ7164UG, कैप्चा कोड भर देती हूँ 98ZQ9882, हाँ जी। हाँ जी, अब ऐसे इस प्रकार से डिटेल्स आ जाएंगी। देखिए अब बड़े आराम से फॉर्म भरना है, याद रखिएगा बहुत आराम से, जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से आपको फॉर्म भरना होगा। तो यहाँ पे बच्चे का पहला नाम ऑलरेडी लिखा आ रहा है, मध्य नाम खाली है, लास्ट नेम आया है, बाकी डिटेल्स बच्चे के भरी आ रही हैं। जो आपने डिटेल्स पहले भरी थी वो अपने आप भरी आ रही हैं। आधार कार्ड बच्चे का भरना अब मैंडेटरी है क्योंकि सितारा लाल सितारा बना हुआ है, तो मैं बच्चे का लाल सितारा, जहाँ ये आधार कार्ड है जिस पे लाल सितारा बना हुआ है, बच्चे का आधार कार्ड आप भर दीजिए। आप आधार नंबर गलत भरेंगे तो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। और किसी एक की डिटेल सारी भरना ज़रूरी है, जैसे कि मैं फादर की डिटेल भर रही हूँ, आप भी बच्चे के फादर मदर किसी एक की डिटेल ज़रूर भरिए, और कोशिश करिए आप दोनों की भर दीजिए। मैं तो आपको फॉर्म भर के दिखा रही हूँ सिर्फ, ठीक है। फादर का मोबाइल नंबर, उनका प्रोफेशन भी हम ऐड कर देते हैं, प्राइवेट जॉब। एड्रेस यहाँ पर लिखिए, जो एड्रेस है, घर का पता,
यहाँ पर घर का पता भरेंगे। याद रखिएगा जो आपके घर का पता है वह आप ढंग से भरिएगा। ठीक है, आगे आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भरी, सही भरिएगा, गलत मत भरिएगा। सब लोकेलिटी भरी, सही भरिएगा, गलत मत भरिएगा। पिन कोड भरिएगा, सही भरिएगा, गलत मत भरिएगा। प्रूफ ऑफ बर्थ, ठीक है, आगे प्रीव्यू करिएगा, प्रीव्यू में डिटेल्स आएंगी। आपने कर दिया, फर्स्ट स्टेप हो गया सबमिट। अब आप सीधे गए दूसरे स्टेप पे, दूसरे स्टेप पे आ गए, चॉइस ऑफ स्कूल्स। 0 से 3 किलोमीटर के स्कूल आपके सामने आ जाएंगे। जो आपको स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला करवाने की चाहत है, आपको लगता है स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ेगा, तो उसके आगे ऐड कर दीजिएगा, जैसे कि, और ये आगे वेकेंट सीट्स भी लिखी हुई, खाली दिखती हैं। पहले स्कूल का आईडी है, स्कूल का नाम है, उस स्कूल में उस क्लास में कितनी सीटें खाली हैं जिसमें अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं। जैसे कि शिक्षा भारती सेक्टर 8 में इसमें 8 सीटें खाली हैं, मैंने सबसे पहले उसे ऐड कर दिया। तो सबसे पहले नीचे आप देखेंगे शिक्षा भारती ऐसा आ गया। फिर MBS इंटरनेशनल सेक्टर 11 द्वारका में ऐड कर दिया, फिर आ गया। आप चाहे तो सारों को ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपकी इच्छा है। तीसरे मैंने ऐड कर दिया क्वींस वैली, 6 सीटें हैं, ये देखिए। तो इस प्रकार से आती जाएंगे सीट्स, स्कूल्स के नाम आप उनमें ऐड करते जाइए। अगला मैंने आपको दिखाने के लिए करी, इसलिए सिर्फ 3 स्कूलों के नाम कर रही हूँ, आप चाहे तो सारे स्कूल कर सकते हैं। फिर सबमिट कर दिया, ठीक है। अब अगला आ गया स्टेप 3 पे, 3 से 6 किलोमीटर में कौन से स्कूलों के नाम भरना चाहते हैं। कोई भी नहीं भरना चाहते तो आगे भी जा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर भर दिया विवेकानंद मॉडल स्कूल सेक्टर 13 में 6 सीटें हैं खाली, मैंने इसे ऐड कर दिया, ठीक है। और आप और ऐड करते चले जाइए। अगला सबमिट। अब मैं आ गई चौथे स्टेप पे, 6 किलोमीटर से ऊपर स्कूलों में, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, क्लिक हेयर इफ आई डोंट वांट टू अप्लाई इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स, यहाँ क्लिक कर दिया आपने, अगले आप अगले स्टेप पे पहुँच गए, ठीक है। अब फाइनल स्टेप 5 पे आ गए, फाइनल सबमिशन एंड प्रिंट। अगर लाल ऊपर बनाओ किसी भी स्कूल में अगर आप नहीं करना चाहते। 5वें स्टेप पे आए, इस प्रकार से आपके बच्चे की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। देखिए आपने आखिरी वाले डब्बे को क्लिक करना है, इसका मतलब यह है कि मैंने सब डिटेल्स आपकी पढ़ ली है, और अब मैं इस बात की आपको जानकारी देता हूँ कि यह मैं सही फॉर्म भर रहा हूँ। तो उस पर आप करेंगे, यहाँ पे ये पूरी जानकारी आ गई, इस प्रकार से आप इसे करेंगे यहाँ पे फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट करेंगे, आगे आएगा यू कैन नॉट चेंज द चॉइस ऑफ स्कूल्स आफ्टर फाइनल सबमिशन, डू यू वांट टू सबमिट द डिटेल्स, यहाँ ओके करेंगे, ठीक है। आप श्योर हो कि आप डिटेल सबमिट करना चाहते हैं, आप ओके पे करेंगे तो आगे आपका फॉर्म सबमिशन के लिए चला जाएगा, ठीक है। ओके करेंगे, फिर प्रीव्यू करेंगे, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होता चला जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि मैं आपको सिर्फ फॉर्म भरने के बारे में जानकारी दे रही हूँ। हो सकता है कि जिस बच्चे का मैंने दाखिला भी नहीं करवाना, जिस बच्चे की डिटेल्स मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए भर रही हूँ, कल तो इसी नाम का कोई सीट स्कूल अलॉट कर देता है, तो उसका मतलब हो जाएगा कि मेरे द्वारा जो आपको फॉर्म भरना दिखाया गया उसकी वजह से एक बच्चे की सीट कहीं ना कहीं बर्बाद चली गई, जो कि मैं नहीं चाहती। और आमतौर पर शुरुआती दौर में जब मैंने नया नया सबकी शिक्षा की शुरुआत करी थी, इतनी जानकारी मुझे खुद नहीं थी, तो शुरुआत में एक दो बार जब मैंने फॉर्म भरे थे, दोनों बार बच्चों का नाम आ गया था, तो उसके बाद मुझे समझ आया था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं उन सभी लोगों से भी कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगी जो फॉर्म भरना लोगों को सिखाते हैं, ऐसे में वे खुद फॉर्म भर देते हैं, और उनके नाम के द्वारा जब फॉर्म भर दिया जाता है तो उसके बाद अगर वे नाम बच्चे का सिलेक्ट हो जाता है, क्योंकि नाम सिर्फ कंप्यूटराइज ड्रॉ के माध्यम से सिलेक्ट होते हैं, डिटेल्स नहीं चेक की जाती, तो ऐसे में अगर हमारे द्वारा जो लोग फॉर्म भरना सिखा रहे हैं उनके द्वारा फॉर्म में भरे बच्चे का नाम सिलेक्ट हो जाता है, तो वह सीट ब्लॉक हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो मैं आगे नहीं करूँगी, फाइनल सबमिट आप करेंगे। इस प्रकार से बड़ी आसानी से आप बच्चे का फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, बहुत आसानी रहेगी आपको, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत आसानी समझ आ गया होगा कि फॉर्म कैसे भरना है। फिलहाल मैं इस समय दिल्ली में नहीं हूँ, मैं महाराष्ट्र में हूँ। महाराष्ट्र में भी मैं कहीं पर अभी घूमने आई हुई हूँ। महाराष्ट्र में भी पुणे से करीबन 250 किलोमीटर दूर एक बीच एरिया है जिसका नाम है दाबोली, और मैं वहाँ पर हूँ फिलहाल। और
इंटरनेट की समस्या काफ़ी थी, लेकिन फिर भी मैं जब से यहाँ पहुँची हूँ हर एक 2-3 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ वेबसाइट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की फॉर्म निकले हैं कि नहीं। जैसे ही फॉर्म निकले मैं आपके लिए इसके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। कोई भी परेशानी होती है आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉल कर अपनी परेशानी उनसे साझा कर सकते हैं, वे आपको आपकी परेशानी का हल ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा और आपके बच्चों का एडमिशन बढ़िया से बढ़िया प्राइवेट स्कूल में होगा। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।